वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता व्लॉग्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे गुप्ता व्लॉग्स चैनल में। आवर गाइज आई थिंक विल गुड। और दोस्तों मैं आपको दिखा चुका था कि मैं इस पे पहले वाले ब्लॉग में 18वें ब्लॉग में कि मैं काठमांडू आ चुका हूँ। और आपको मैं यहाँ के जितने भी काठमांडू के फेमस प्लेस मध्य आपको आज मैं नोटिस भी कर चुका था कि आपको मैं काठमांडू क्या दिखाना आपको पहला पसंद करोगे तो आप लोग पसंद करते हैं कोई शंभू एनी अदर। तो आज आपको मैं इस ब्लॉग में काठमांडू वैली में जितने भी है वहाँ के मैं कितने बहुत ऊंचे पहाड़ में चढ़ चुका हूँ। आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा कितने घर वो मेरे से बहुत नीचे है क्योंकि मैं बहुत ऊपर पहाड़ में चढ़ चुका था। और इस काठमांडू वैली के मैं पूरे बैकग्राउंड आपको इसमें ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक इस ब्लॉग में। और जिसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो बने इस ब्लॉग में आप लास्ट तक। तो गाइज मैं रूम से निकल चुका हूँ और आपको मैं आज काठमांडू वैली दिखाने वाला हूँ पहाड़ पर चढ़ के। और वहाँ से आप देख सकते हैं और ये मैं भी मामा घर मौजूद हूँ, यहाँ पर आए थे, रूम लेके रहता है। तो गाइज मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, आपको देख सकते हैं वो पहाड़ पे घर है और वो उतने ऊँचे पहाड़ है वहाँ पर जाके। और ये नीचे जो घर है आपको वहाँ से मैं दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे कमेंट भी आया था कि काठमांडू के माउंटेन यानी पहाड़ दिखाओ, तो फिर मैं सोचा कि एक ब्लॉग इसमें भी डाल देता हूँ। तो आपको मैं देख चुका मैं पहाड़ पे ही चढ़ रहा हूँ। ये सारे जितने ये गोलडूंगा मतलब जगह का नाम गोलडूंगा हुआ और यहाँ से मैं आगे तक जाके वहाँ पर पहाड़ के चढ़ के देख सकते हैं मैं ऊपर चढ़ के। और मैं अभी चल रहा तो वो दिखाया था, ये अभी तो ऊपर बस चढ़ रखा हूँ रोड पर, यहाँ से आगे तक जाते रहूँगा। और घर देख सकते हैं कितने खूबसूरत है और यहाँ से देख सकते नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको आराम से स्लो करके आपको मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ। और इससे भी मैं ऊंचा चढ़ के जैसे वो आप टॉप पर देख सकते हैं वैसा ही मैं इस साइड के पहाड़ पर मैं चढ़ के वहाँ से आपको लोकेशन भी सही से दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके दूसरे वाले साइड में देख सकते यही इसी पर मैं चढ़ के और ये फिर नीचे आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ से। तो ये देख सकते हैं घर आपको ज़्यादा नहीं कुछ मिनट लगेगा और आगे तक रोड इसका एंड हो जाएगा। तो फिर मैं ऊपर पहाड़ पर चढ़ूंगा फिर वहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा। आप ब्लॉक पहले कैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कि मैं ज़्यादा ऊँचा चढ़ चुका हूँ क्योंकि आपको यहाँ से आपको छोटा छोटा घर दिख रहा होगा। बट ये बहुत घर चाहिए घर तो बहुत ऊँचे ऊँचे है बट आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ। और मैं बस पास में ही आ चुका हूँ, यहाँ से रोड एंड हो जाएगा और उसके ऊपर मैं चढ़ के आपको दिखाने वाला हूँ। एक टोल है वो यहाँ से भी एक नीचे जगह है और यहाँ से देखते रोड और नया ही बना रहा है। तो वैसे मैं यहाँ से रोड ख़त्म हो गया तो वहाँ ऊपर चढ़ूँगा और वहाँ से आपको सारे बैकग्राउंड एक एक करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे रहता है काठमांडू वैली में और कितने बिकट जगह है और काफ़ी सुविधाएं तो बहुत कुछ है बट अपने शांतिपूर्वक और जानवर जाके बहुत रहते हैं। वो पहाड़ पर घर रहता है फिर भूकंप भी आते हैं वहाँ से बहुत दिक्कत होता है। वह जब मैं चढ़ूँगा तो आप यहाँ से मैं तो बहुत बार दिखा चुका हूँ पहाड़ पर चढ़ के, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी के ऊपर मैं जाऊँगा। तो गाइज अब देख सकते हैं अब मैं चढ़ूँगा और यहाँ से आपको ऊपर तक मैं जाऊँगा देख सकते हैं। और गाइज वहाँ से भी आपको मैं जूम करके दिखाऊँगा वहाँ से मैं कितने ऊँचे चढ़ चुका हूँ। तो आपको यकीन लगेगा कि हाँ वास्तव में कितने पहाड़ पर मैं चढ़ चुका हूँ और आपको यहाँ से बहुत सारे लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो आपको लग रहा हो कि कौन वीडियो बना, ये मेरा भाई है वो देख सकते हैं आप और दोनों साथ में भी हैं। तो गाइस फाइनली मैं अब ऊपर चढ़ रहा हूँ और आपको दिख रहा हूँ वहाँ से फिर एक और रोड वो सीधे जाने वाले हैं तो वहाँ से जाऊँगा। देख सकते हैं मैं बहुत ऊपर चढ़ चुका हूँ और आपको मैं उधर दिखा रहा हूँ कितने मैं ऊँचा चढ़ रखा हूँ कि छोटा छोटा आपको घर दिख रहा होगा क्योंकि वो भैया चीन चला चाहता लेकिन बट वो बहुत निचले में पार भी कर चुका हूँ। आप उधर भी देख सकते हैं उधर भी बहुत अभी उतना चढ़ना है वहाँ पे भी चढ़ के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये देख सकते हैं ये शिखर शूज कंपनी है यानी कि जो नेपाल में ज़्यादा जूता प्रोडक्ट उसको दिखाया जाता है। तो गाइज उधर के लोकेशन भी आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लोकेशन है आप देख सकते हैं। गाइज आपको देख सकते हैं मैं बता दिया था कि सुखर शिखर शूज आपको कंपनी दिखा दिया था और वहाँ से वो भी पहाड़ पे कंपनी बनाया गया है
और इतने ऊँच में चढ़ चुका हूँ कि आपको घर पूरे इक्वल दिख रहा होगा। और देख सकते हैं मैं जूम कर, और ये रहा शिवपुरी राष्ट्रीय निकुंज, तो यहाँ पर भी एक निकुंज है। तो गाइस इसी रूट के चलते चलते एक यानी कि जगह आएगा मच्छा पोखरी, उसका नाम है। गाइस अब देख चुके हैं मैं वो उतने पहाड़ क्रॉस करके, अब मैं फिर आ चुका एक चौक है मच्छा पोखरी, जो मैं आपको मैं पूरे बैकग्राउंड से आपको दिख रहा होगा और पूरे बैकग्राउंड में दिखाने वाला हूँ कैमरा मैन। फाइनली गाइस मैं मच्छा पोखरी पहुँच चुका हूँ और वहाँ पर एक थिएटर है मूवी देखने, यहाँ पर भी एक बनाया हुआ मूवी देखने वाला है। तो गाइस आपको मैं आगे भी चल के चौक के भी वहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो ऊपर। और गाइस आपको काठमांडू पहले के लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो गाइस आप वीडियो को जरूर शेयर करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करना। तो गाइस आपको मैं आगे तक भी ले चलूँगा काठमांडू के एक बनी। आप काठमांडू पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ ब्लॉग में और आप अंत तक देखे होंगे तो काफ़ी गाइस आपको अच्छा लगेंगे। और गुप्ता ब्लॉग में ऐसा ही काठमांडू जितने भी फेमस जगह है वो आपको इसमें मिलेगा। गाइस बने रहिए अगले ब्लॉग के लिए और ये वीडियो पसंद है आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जिसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो करना। तो अगले ब्लॉग के लिए बने, टाटा बाय बाय।